यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबर अब बरेली से है, जहां पर सेंधा गांव में दो पड़ोसियों के बीच कुत्ते को लेकर इतना विवाद हो गया कि एक पड़ोसी ने दूसरे की ईंट मारकर हत्या कर दी और उसके दो बेटों को भी घायल कर दिया। पुलिस की माने तो सेंधा गांव के ब्रिजपाल के कुत्ते ने पड़ोसी सर्वेश के बेटे गुरमीत को काटने की कोशिश की, जिससे बचने के लिए गुरमीत ने कुत्ते को डंडा मार दिया। इसी बात को लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच पहले कहासुनी हुई और बाद में दोनों ने एक दूसरे पर पथराव किया। इसी दौरान ब्रिजपाल ने पड़ोसी सर्वेश की ईंट से पीट पीट कर हत्या कर दी और बचाव के लिए आए सर्वेश के दो बेटों को भी घायल कर दिया। घटना के बाद ब्रिजपाल गांव से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ब्रिजपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। एक ग्राम सेंधा थाना भमौरा के अंतर्गत एक कल घटना हुई, जिसमें सर्वेश जो है उनके पुत्र जब अपने घर के पास से निकल रहे थे तो वहाँ पे वृक्षपाल के कुत्ते ने उस पर काटने के लिए चढ़ा तो उसने उसको लाठी मार दी। और इससे जब कुत्ते को लाठी मारी तो वृक्षपाल घर से निकल कर आया, उसने उसके बच्चे को सर्वेश के मारा पीटा, जिससे वो घर पे गया, उसने शिकायत की तो वो सभी परिवारजन आए और फिर उनके साथ लड़ाई झगड़े में वृक्षपाल ने ईंटों से कूच कर सर्वेश को वहीं पर मौके पर बहुत चोट पहुँचाई, जिससे कि तथाकथित उसकी मौके पर मृत्यु हो गई, अस्पताल में डिक्लेयर।